आज का जो वीडियो स्पेशली जो हर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ जिसकी भर्ती कैंसिल हो रखी है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देख ले। इसमें जो सेना भर्ती में युवाओं की जो डिमांड की गई है, युवाओं ने जो इसके लिए प्रयत्न किया है, इसके लिए कोशिश की है कि कहीं ना कहीं एक साल की या जो छूट मिल जाए तो हम इस सेना भर्ती को अटेंड कर देंगे। जो आने वाली 2021 की सेना भर्ती आए वो हम उसमें अटेंड कर पाएंगे। तो आज हर एक स्टेट के लिए जो शायद एक गुड जो गुड न्यूज़ कह सकते हो आप, एक अच्छी खबर कह सकते हो, खुशखबरी कह सकते हो, वो एक जो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, आशंका जो ऐसी जताई जा रही है कि है जो 100% हमारी सेना भर्ती में छूट मिलने वाली है। और आज का जो वीडियो स्पेशल मैं आपको राजस्थान की बात करूँ या जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली या जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कहीं की भी जो सेना भर्ती कैंसिल हो रही है तो उन सभी स्टेट की बात करूँगा। आज का जो वीडियो स्पेशली जो युवाओं की उम्र में छूट से लेके होगा, तो स्पेशली इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर भाई के लिए, हर दोस्त के लिए आज इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। आज का जो वीडियो है जो बहुत ज़्यादा स्पेशली होने वाला है, क्योंकि आज जो बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर दोस्त के लिए और जो हर इंडियन आर्मी के जो जवान जिनकी जो लास्ट डेट थी और जो कई बार जो बंदे जो इसकी एज आउट खत्म हो चुकी थी सेना भर्ती को अटेंड करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली है जो आज का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, और जो अपने भाई के साथ शेयर कर देना क्योंकि हर दोस्त के लिए इस चीज़ को इंतज़ार था, तो ये फाइनली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को हर दोस्त के साथ शेयर कर देना। जितने भी अपने जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं जिनकी लास्ट डेट थी और वो भर्ती अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को जितना उसके वीडियो को सपोर्ट करना जिससे हर दोस्त इस नोटिस के थ्रू पूरा ऑफिशियली जानकारी देख सके। ठीक है, ओके। सो अभी मैं आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा हूँ, ये अपना हरियाणा जो पंजाब केसरी जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिलेगा, और ये बोल सकते हो एक न्यूज़ की वेबसाइट है। जैसे अपने जो दूसरे जो दैनिक भास्कर हैं या ये सब होते हैं, राजस्थान में जो पत्रिका हो, दूसरी अदर किसी भी प्रकार का कोई भी, हिंदुस्तान लाइव है, ऐसे जो बहुत सी जो वेबसाइटें हैं जो एकदम न्यूज़ चैनल के साथ ही ऑफिशियली अपडेट शेयर करती हैं, वैसे ही आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। इसमें बता रखा आपको सेना भर्ती में युवाओं को उम्र में मिलेगी एक साल की छूट, अरविंद शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली इस चीज़ पे ही होने वाला है कि सेना भर्ती में आज एक साल की जो छूट मिलने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहले जो बहुत से दोस्त पूछेंगे कि सर ये पुरानी है, वो चीज़ पुरानी है, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये कब की न्यूज़ है। आज अपने 18 तारीख हो चुकी है और तीसरा महीना है और 2021 है, और ये सुबह के 9:40 लगभग उन्होंने ये अपलोड किया न्यूज़, उन्होंने पोस्ट डाली है। ठीक है, तो ये एकदम ऑफिशियल ही है और आज की न्यूज़ कह सकते हो। इसमें आपको सबसे टॉप पे देखने को मिलेगा रोहतक, भाजपा सांसद जो अपना डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो राजनाथ सिंह जो अपना रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और जो सेना भर्ती में युवाओं को एक साल छूट देने की मांग की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन तक ये बात पहुँची है, जो अपने राजनाथ सिंह है वो उनके तक ये बात पहुँच पाई है और उनके आसपास में ये जो उनके कानों तक ये आवाज़ उठा सके और वहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचा सके, उनको तह दिल से सैल्यूट है। ठीक है, और हमने भी जो बहुत सी कोशिशें की और आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की होगी, अपने आरओ में हो या कहीं पे भी रैली में हो, सब ने जो कहीं कहीं कोशिशें की होगी, मुझे पूरा इस चीज़ से जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम सब मिल गए कहीं कहीं एक सेना भर्ती के लिए और आने वाली जो नई पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा जो कदम उठाया। ठीक है, तो ये जो एक बहुत अच्छा जो गुड खबरी कह सकते हो, खुशखबरी कह सकते हो, कहीं ना कहीं जो इस सेना भर्ती को लेके हमें एक साल का छूट देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी, ऐसा कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे हो या कहीं ऐसी सूचना मिल सकती है कि जो 100% सेना में जो आने वाली भर्तियाँ हैं उनमें एक साल की छूट देखने को मिल सकती हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इसमें आपको जो देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मांग की है, यानी जो उनके बात तक ये पहुँच चुकी है, और सांसद ने कहा कि जो कोरोना महामारी के चलते सेना भर्ती नहीं देख सके, जो युवा चलते युवाओं के जो एक साल उम्र बढ़ गई, यानी एक साल जिनकी जो कुछ 23 साल नहीं हो रही थी और अभी जो एक साल जो सेना भर्ती भी नहीं आई कोरोना के कारण, तो कहीं ना कहीं जो उनके 23 या 24 के आसपास चली गई, तो वो युवा क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे बिल्कुल, या जो उनको एक साल की हम छूट दे देंगे तो शायद वो जो 23 साल से ऊपर हो चुका है बंदा, वो भी जो फॉर्म भर के सेना में एक मौका दे सकेगा और जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छा एक काम कर सकेगा, जो वर्दी के लिए जो इतना तरस रहे हैं जो बंदे एक सेना भर्ती में ज्वाइन होने के लिए, जो कहीं ना कहीं उनका एक सपना पूरा हो सकेगा और इंडियन आर्मी का जवान बनने का एक सपना साकार हो सकेगा, तो ये उन्होंने कहा है। ठीक है, तो एक साल जो बढ़ा दी गई है और इसमें बताया है कि जो एक साल जो उनकी उम्र किया जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं जो हज़ारों युवाओं को सेना भर्ती में अटेंड करने का मौका मिलेगा, उन्होंने ये कहा। संसद ने इसमें बताया कि रक्षा मंत्री ने इसके जो उन्हें इस बारे में विचार करते हुए एक
आसरावान दिया है, यानी जो एक बोल सकते हो एक विश्वास दिलाया है सबको कि जो कहीं ना कहीं वो हमारी सेना भर्ती के जो एक साल का कुछ प्रोसेस देखने को मिल सकता है, छूट मिल सकती है, ऐसा कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है। ठीक है, बुधवार को जो यानी कल के दिन भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो लोकसभा जो परिषद में जो रक्षा मंत्री जो परिसर में अपना रक्षा मंत्री जो अपना राजनाथ सिंह जी मुलाकात की और सेना भर्ती में युवाओं को एक साल की उम्र लेकर छूट की मांग की है, यानी मांग रखी गई है। इसके अलावा संसद ने जो रक्षा मंत्री से जो जुड़े अन्य जो मांगों को लेकर रक्षा मंत्री ने चर्चा की और मांगों को जल्द से पूरा करने की डिमांड की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हो उनकी तरफ से और ये बहुत अच्छा है जो एक डॉक्टर जो अपने अरविंद शर्मा है वो उनको मैं तहे दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा कि यार उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और उन तक जो अपने रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी उन तक ये बात पहुँचाई है और कहीं ना कहीं आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो गुड न्यूज़ कह सकते हो। कहीं ना कहीं जो समय छूट मिलने की एक पूरी पूरी उम्मीद लग रही है, शायद सेना भर्ती में बहुत जल्द आने वाली सेना भर्तियाँ जितनी भी है उन सभी में हमें एक साल की छूट मिल सकती है और शायद ऐसा भी हो सकता है जिनकी जो भर्ती भी होने वाली है 2021 में शायद सभी को ऐसा एक साल ऊपर ही दिए, एक साल जिनकी ऊपर हो चुकी है वो भी इसमें फॉर्म भरने का मौका मिल सके। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ कह सकते हो, खुशखबरी कह सकते हो। तो ये इस वीडियो को जितना उसको फॉरवर्ड करना क्योंकि हर दोस्त का ये जो एक चेहरे पे स्माइल आ सके और जैसे ही मैं इसकी जो कोई ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई अनाउंस होगा जैसे इस भर्ती के रिकॉर्डिंग या कुछ और भी अपना आयु से रिलेटेड तो मैं आपको चैनल पे ऑफिशियली चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर रखना, जैसे ही मैं आपको आएगा वीडियो तो तुरंत आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और भी जो अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ क्योंकि हर दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज़ मैं जो शेयर करता हूँ हर भाई के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ जितनों भी हो सके वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आपका जो भी राय है वो ज़रूर मुझे देना और कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी सेना भर्ती थी एक बार मुझे मैसेज जरूर कर देना या अपने आरओ का नाम जरूर कमेंट टाइप में करना जिससे मैं जो जान सकूँगा कि कौन सा बंदा कहाँ से बिलोंग करता है या कौन से आरओ से बिलोंग करता है। तो प्लीज़ कमेंट टाइप में जरूर करना, एक अपना आरओ जो अपना स्टेट जरूर मेंशन कर देना। मिलूंगा फिर नए वीडियो में साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम। चल जा चल जा चल जा चल जा। यार गाइस कब से जो इसको काम कर रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है, बताने क्यों क्या दिक्कत आ गई इसमें, और वीडियो एडिटिंग भी नहीं हो रही है सही से, ना कुछ हो रहा है इसका। पता नहीं शायद बैटरी में कोई मिस्टेक होगी, शायद ऐसा ही लग रहा है। चलो कोई ना, फ़ोन से एडिट कर देंगे आगे, फ़ोन से ये जो वीडियो शूट करके आपको अपलोड कर देंगे। एक बार और हो जाए चालू तो शायद। चलो कोई ना, आज फ़ोन से जो एडिट करके डाल देंगे तो आपके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रखी है।